guys, it's Ayushi and welcome back to my channel. So I'm back with a DIY video and ये DIY video बहुत ही special है because ये video में सिर्फ मैं नहीं हूँ, I have a very special person with me today, शिवांगी. तो हम लोग literally months से we are planning to do this video and ये हो नहीं पा रहा था हमारा. शिवांगी अपने video में कुछ object paint करने वाली है जो मैंने उसके लिए select किया है, वो देखने के लिए आप उसके channel पे जा सकते हो. एंड मेरे लिए शिवांगी आज पिक करने वाली है कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स जिसको मैं सिर्फ पेंट नहीं, डीआईवाई, लाइक पेंट एंड डीआईवाई, बिकॉज मेरा पेंटिंग इतना अच्छा नहीं है. आई विल स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज मिरर, लुकिंग मिरर, या ओके. नेक्स्ट वी हैव इज अ बैग. ओके यार, कहां से ढूंढ कर ला रही है ये सब, तो सामान मेरे को समझ नहीं रहा है. दिस इज द लास्ट वन जो कि मैं आयुषी के लिए पिक करने वाली हूँ एंड इट्स गोना बी दिस. सो द थर्ड शीट इज जूट. जूट रोप. जूट मतलब रोप करना है, कपड़े वाला करना है, वट एवर. या तुझे कोई DIY बनाना है जिसमें जूट ही लिख दें वो भी चलेगा. मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी. तो शिवांगी ने मेरे लिए 3 आइटम्स पिक किए जिसमें से मैं कोई भी 2 आइटम के साथ पेंटिंग DIY बनाने वाली हूँ. गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज गो एंड वॉच ये वीडियो के बाद शिवांगी का वीडियो जो मैंने पिक किया है शिवांगी के लिए आइटम. मेक श्योर टू सब्सक्राइब हर चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So with this burlap cloth, I'm thinking of making a wall hanging. First, I'll start by drawing with a pencil. The reference design that I'm going for is kind of a sunrise abstract and easy hoga ye paint karne mein as I'm not that good when it comes to painting. So I'll start coloring using acrylic paints. नॉर्मल क्लॉथ या कैनवस से थोड़ा डिफिकल्ट है जूट क्लॉथ पे पेंट करना, तो मुझे ज़्यादा पेंट लेना पड़ रहा था. नाउ ऑफकोर्स आई हैव सम ऑप्शंस फॉर यू गाइस. यू कैन यूज द सेम डिज़ाइन, सेम आइडिया ऑन अ टी शर्ट और ग्रॉसरी बैग. आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा. येलो ऑरेंज के शेड्स में आई एम कलरिंग इट एंड लास्टली टू आउटलाइन एंड हाईलाइट एवरीथिंग आई विल यूज व्हाइट एक्रेलिक पेंट. सो पेंटिंग इज डन, आई लेट इट ड्राई. आई विल टेक दिस वुडन क्राफ्ट स्टिक एंड एज यू गाइस कैन सी आई हैव ऑलरेडी पेंटेड इट व्हाइट. So I'll stick it to the cloth. Of course you can go for glue, but glue might come off. इसलिए I'm using a needle and thread and wooden stick के साथ उसको tie कर दूंगी so that अच्छे से secure हो जाए. Done on both the sides. Last minute में I made these 2 tassels using macrame thread. And I'll stitch both the tassels to the corners. Tie thin rope or thread on both the ends of the stick, and that's it. Beautiful DIY wall hanging is ready. Then I'll be painting this mirror. I'll clean it using a tissue paper and then sketch pen or wet chalk se drawing on the mirror. Design mujhe simple and yet thoda aesthetic lage waisa chahiye tha. So I'm drawing this wave-like shape. And using acrylic paint, I'll start painting it. I'm going for pink shades. तो पहले I'll start with pastel baby pink color and उसे अच्छे से wave का shape दिया है all around the mirror. This was my first time painting on a mirror. And yes, I was scared. डर लग रहा था कि कहीं मैं सब ना कर दूँ. If मैं सब भी हो जाता है तो टिश्यू पेपर से you can wipe it off. पेंट होने के बाद added some red color, थोड़ा crimson shade के लिए.
एंड इन द एंड व्हाइट एक्रेलिक पेंट या पेंट मार्कर से मेकिंग आउटलाइन टू हाईलाइट द होल डिजाइन एंड दैट्स इट। इट वॉज सुपर ईजी टू मेक, मेरे स्टूडियो में बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट लव द होल वाइब, इट गोज विद माई स्टूडियो एंड या सो एक्साइटेड टू क्लिक पिक्चर्स। आई होप आप लोग को ये DIYs पसंद आए। नाउ शिवांगी हैजंट सीन द आउटकम, ऑफकोर्स वीडियो में आप लोग ने देख लिया है एंड अभी ऑनेस्ट रिएक्शन होने वाला है। ओके, तो पहले मैं मिरर दिखा देती हूँ, यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन, बट या हियर इज, मैं उठाऊ कैसे, थोड़ा हैवी है, रुक जा। What? Dude, तो इसे टांग भी एक पीछे कर इसको। हाँ है, पीछे है, पीछे टांगने के लिए दिया है, तो आई कैन हैंग इट या बट मैं इसको ना मेरे स्टूडियो में रखने वाली। ये तूने क्ले से 3D इफेक्ट दिया है क्या या ये कलर्स से 3D इफेक्ट आ रहा है? नहीं, पेंट से। बहुत प्रिटी है। मैंने दिखा दिया था बट पॉज हो गया, अभी दिखाओ फिर से। अभी वीडियो बंद हो गई। हम लोग को ना नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो बीच बीच में चला जा रहा है। सो द नेक्स्ट आइटम वॉज जूट। जूट का एक्चुअली मेरे पास क्लॉथ है क्योंकि मैं जूट क्लॉथ से ना थोड़ा वर्क करती हूँ बैकग्राउंड, बट पेंट नहीं किया मैंने कभी। आई डोंट नो तुझे कैसा लगेगा, ये इसका पीछे का है। okay, this is so funny. Oh my God. तूने पहले पीछे वाला दिखाया वैसे एंड देन ओह गॉड, ये तेरे बैकग्राउंड के साथ इतना प्यारा लग रहा है, यू हैव नो डैम आइडिया। तो मुझे भी गिफ्ट कर सकती है, आई डोंट माइंड अपने बैकग्राउंड में डेकोरेट करना, बट तू अगर मुझे अपना देगी तो ही मैं तेरे को ये सब सेंड करूंगी। सो दैट्स इट गाइस, दीज आर ऑल द आइटम्स दैट मैंने DIY किया, पेंट किया। आई होप आप लोग को पसंद आए, प्लीज गाइस रिक्रिएट जरूर करना एंड गो एंड वॉच शिवांगीज वीडियो। उसके चैनल पे मैंने बहुत ही अमेजिंग आइटम पिक किया है, तो प्लीज गो एंड वॉच। मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अस एंड या सी यू गाइस वेरी सून। अच्छा, मैं वीडियो हमेशा खत्म करने के टाइम पे ना एक चीज बोलती हूँ, कीप इंस्पायरिंग गाइस, बाय बाय। बोल बोल, अब मेरी इयररिंग निकल गई, रुक जा यार, वापस से मेमोरी फॉलो। अब कंटिन्यू कर। नहीं बोलते ये सब, नहीं बोलते वीडियो में। ये लड़की मेरा दिमाग फाड़ेगी। You have to be. चलो। या तो उसी पे क्या बोला था मैंने, भूल गई मैं। Anyway. कर दे, कोई नहीं, मैं अपने में डालूंगी। मम्मा रोकना एक सेकंड। उसी पे आयुषी की वीडियो समाप्त होती है।